घायल वसंत, हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना। लेखक ने वसंत ऋतु के आगमन और दिल से शुष्क लोगों का व्यंगात्मक संबंध जोड़ा है, जो कहीं न कहीं हास्य हो जाता है तो कहीं करारा व्यंग्य भी है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति बहुत सुंदर और मौसम बहुत मोहक हो जाता है। किंतु अगर किसी का प्रिय व्यक्ति प्रकृति की सुंदरता को देख नहीं पाता, महसूस नहीं कर पाता, ऐसे शुष्क नीरस प्रिय व्यक्ति से दुश्मन को अच्छा बताया है, अर्थात ऐसे लोगों का हृदय हावहीन कहा गया है। एक कवि गा रहा है कि फिर आया मादक वसंत, क्योंकि अगर ऐसी तुकबंदी करे जिसमें हंत अंत आता है तो इसका भला नहीं होगा। और वैसे भी तुक मिलाने वालों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। लेखक ने घायल वसंत के साथ राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी पर भी अपना तीर छोड़ा है कि सोना दबाने वाले देश के लिए स्वेच्छा से सोना दे दो। ऐसा समाजवादी पार्टी के अर्थ मंत्री ने जनता से रिक्वेस्ट की, लेकिन सोना बाहर आने की जगह चार हाथ अंदर चला गया। इस तुकबंदी की मजबूरी बताई कि आप कहते रहो, जनता भी सब समझती है, वह करती वही है जो आप न कहकर भी कहते हो। कवि तो सात तुकबंदी करते करते थक गया। वैसे भी यह क्या मुझे बताएगा, मैं तो सुबह से देख रहा हूँ कि वसंत आ गया है। यहाँ पर तुकबंदी का अर्थ है राइमिंग। सो जिस प्रकार से कविताओं में राइमिंग की जाती है उसे हिंदी में तुकबंदी कहा जाता है। तो लेखक ने ऐसे कवियों की भी व्यंग किया है जो जोड़ तोड़ करके तुकबंदी करके कविता बनाते हैं, और वे एक अच्छी कविता की रचना कई बार नहीं कर पाते हैं। वे आगे कहते हैं कि जैसे हमारी स्थिति होती है वैसी चीजें हमें दिखाई देने लगती है। मुझे मालूम है कि वसंत आया है और मैं रजाई ओढ़े सो रहा हूँ। वसंत आया है मतलब वसंत ऋतु आई है। सुबह दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कौन, वह बोला वसंत। लेखक घबरा गए, ऋतु वसंत को भूल गए, क्योंकि दुकान वाले का उधार सिर पर है और उसका नौकर वसंत लाल है। कहीं वही तो तकादा करने नहीं आ गया। हे भगवान, नाम इतना सुंदर और काम वसूली का। वसंत लाल ने सुबह से मूड खराब कर दिया। अगर ऋतुराज वसंत ने देखा होगा तो वो क्यों मेरे पास आएगा। जिस पर कर्ज हो उसे कोस कर वह फिर से सो गया। फिर दस्तक हुई। इस बार सचमुच ऋतुराज वसंत आए थे। मुझे धिक्कारा भी, आलसी सोए पड़े हो, बाहर देखो मौसम कितना अच्छा है। इसने कहा, माफ करना भाई, पहचाना नहीं। वसंत ऋतु में वातावरण इतना अच्छा होता है कि हमारी स्किन, हमारी त्वचा अपने आप अच्छी हो जाती है, और यह आलसी उससे अपनी सीढ़ियां ठीक करने के लिए कहता है। यहाँ पर भी लेखक ने वसंत के नाम पर या वसंत को विषय वस्तु में रखकर भावहीन लोगों के लिए व्यंग प्रस्तुत किया है कि वसंत ऋतु से जो प्रकृति के द्वारा हमारे स्किन को, हमारे मन को सुंदर बना देती है, उससे यह सीढ़ियां की रिपेयर कराना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि वसंत के जाने के बाद शाल लपेटे वह बाहर आया, यह सोचकर कि वसंत ऋतु में तो कोयल दिखना ही चाहिए। लेकिन सामने एक हवेली के कंगोरे पर कौवा दिखाई दिया। कोयल कहाँ, यह तो बेसुरा कौवा है। कौवे को मैं भगाने ही वाला था कि याद आया, यह तो मेहमान के आने की सूचना देता है, हो सकता है किसी प्रेमिका का संदेश दे, इसे भगाना नहीं चाहिए। यहाँ लेखक आधुनिक औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी व्यंग करते हैं कि कोयल को आम के बाग में रहना पसंद है, इसलिए कौवे को मौका दे दिया। वैसे भी सभी जगह अब तो कारखाने बन गए हैं, ठीक है थोड़ी तरक्की भी होना चाहिए, इसलिए हम कारखानों को आम के बागीचों से घेर देंगे। लेकिन एक डर है कि मौका परस्त कौवे अपना कब्जा कर लेंगे। यहाँ पर लेखक ने सीधे सरल लोगों को कोयल
और अवसरवादियों को कौवा कहकर व्यंग किया है। आगे इस प्रकार है कि वसंत ऋतु में एक नौजवान शादीशुदा युवती बसंती रंग की साड़ी पहने और मांग में मोटा चौड़ा सिंदूर भरा है, जो उसके अभी अभी शादी होने का प्रतीक है, और 60 वर्ष का बूढ़ा पति साथ में है, जिसको वसंत का अंतिम समय और बूढ़े को पतझड़ कहकर लड़की की बेमेल शादी पर व्यंग किया है। वसंत ऋतु के बाद शीत ऋतु आती है और ठंड से सभी ठिठुरते हैं। तभी लेखक ने मैथिल कवि विद्यापति की पंक्तियां सरस बसंत समय भर पावली दक्षिण पवन बहु धीरे, मतलब वसंत ऋतु तो आनंदित कर गया लेकिन दक्षिण दिशा से बहने वाली हवा जरा धीरे बहो, हिमालय से बहने वाली बर्फीली हवाएं बहना शुरू होती हैं और वसंत का सुहाना मौसम समाप्त होने लगता है। यहाँ पर लेखक ने अंग्रेजी कवि शैली की कविता के अनुसार एक के बाद एक ऋतुएं आती जाती है यह बताया है। ठंडी के मौसम के बाद गर्मी की लू भी चलेगी और वसंत तो गर्मी और ठंडी के बीच फंसा रहता है। इस व्यंग के अंत में लेखक ने वसंत को हमारे जीवन की खुशियों से जोड़ा है, जिसमें शीत और गर्मी के मौसम रूपी परेशानियां खुशियों को दबाती रहती हैं। अगर हम बसंत को न पहचाने और रजाई में दुबक कर सो जाएं, तो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चीज हम खो देंगे और जीवन में ठंड और गर्मी रूपी परेशानियों का आना स्वाभाविक है और जरूरी भी है, तभी तो वसंत का महत्व समझ सकेंगे। और मौसम की मेहरबानी का इंतजार करके बैठे रहे तो जीवन का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि खुशियों को पहचानना पड़ता है। दुख रूपी पतझड़ तो अपने आप आ जाता है, नए पत्ते तो पेड़ पौधों का रस पीकर आते हैं, लेकिन बसंत को तो गर्मी और ठंड के बीच से निकालना होता है। और अंत में देश की गरीबी पर भी व्यंग किया है कि हमारा देश समृद्ध है लेकिन जनता गरीब है, दो पाटों के बीच फंसा वसंत घायल है, अर्थात अब तक जनता को आत्मविश्वासी नहीं बनने दिया और गरीब बनाकर रखा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे देश का वसंत भी इसी प्रकार घायल है कि है तो वह समृद्ध लेकिन जनता गरीब है, उन्हें गरीब बनाकर रखा गया है। इसलिए देश में सब कुछ होकर भी देश की खुशियां बहुत दूर हैं। तो इस प्रकार घायल वसंत जो व्यंग है वह यहाँ पूरा होता है। अब हम उसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषता इस प्रकार है कि लेखक ने वसंत ऋतु को बहुत अच्छी तरह जीवन की सच्चाई से जोड़कर संदेश दिया है कि हमें जागृत होना है और हमारे पास सब कुछ है, केवल आत्मविश्वास नहीं है, जिससे देश की जनता और देश का वसंत घायल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह घायल वसंत जो व्यंग है उसका सारांश और विशेषता यहाँ पूरी होती है। एक बार फिर से छात्रों, मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ कि मेरे पास भी समय की बहुत कमी थी, लेकिन उसमें से आप लोगों को सहायता करने के लिए मैंने थोड़ा समय निकाला और आज मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं केवल आपको ऑडियो ही दे पा रही हूँ, क्योंकि कल आपकी परीक्षा है और आज मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। तो अपनी परीक्षा अच्छे से लिखिए। हार्दिक शुभकामनाएं।